श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए, पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव ससंग की मंगल प्रेरणा से धर्म तीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी 400 ग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, चार महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से एक माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि दूसरागृहं प्रस्फेद तापमल मुक्तम अपि प्रकृष्टे भक्त्या जलेर्जिन प्रतिम बहुधा विषीचेन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रं वं हं सं तं पं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं दीं द्राव द्राव ओं नमो ह्रते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। रसाभिषेक भक्त्या ललाटे तद्देश निवेशितौ चे हस्ते श्रुता सर्वरासुरमर्त्यनाथै तत्काले पीलित महिक्षुरसस्य धारां सद्य पुनः तु जिनबिम्ब गति वैष्मान् उत्कृष्ट वर्णन हेम रसाभिराम देह प्रभाव लय संगम लुप्त दीप्ति धारम व्रत शिशु गंध गुणानुमेयां वंदे रतां सर्वेषां सपनोपयुक्तां संपूर्ण शार शशांक मरीचि जाल संदेरी वात्मय स्वामी सुप्रवाह क्षीरेर्जिना श्रीतरे रोषिंचे माना संपादयन्तु मम चित्त समीहितानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रं वं हं सं तं पं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं दीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। पांडुत्व कांतिमवधीरयतामतीव तद्नांगत जिनपते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सवदीवांति सिद्धेन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रं वं हं सं तं पं वं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते तत्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो 24 शंकर भगवान की। सर्वाहिरोषद्भिरतुज्वलाभिम् उद्वर्तितस्य विधांशिकमीला काले यकुम कुमरसुत्कड्वारी पूरै
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हंसं तं पं वं हम ओं सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं तीं द्रावय द्रावय ओं नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधिविषयकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। इष्टित मनोरथ तेरिभव्य पुंसां पूर्णे सुवर्ण कलशे निखिलैर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लवय त्रिभुवन कतिम दिने। आगे से एक तरफ भगवान दिखाई दे, भगवान बहरा दिखना चाहिए, सब उत्तर ही कर रहे हैं आप। ओम रीम रीम क्लीम ऐं वरं वं वं हंसं तं पं हम ओं सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हंसं तं पं वं वं हम ओं सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। दशुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मेषि चन्दनेन दिनस्य देहो परिकुमकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। पुढे करो पुढे करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हंसं तं पं वं 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 हम ओं सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं राम राम द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते सफेद चंद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। तो भी सो प्रभु की पूजन को मैं भक्ति लाल चंद्र अभिषेक में जा रहा है। राम जी जी काया सुगंधि सहिता स्वयमेव यस्य तस्य प्रकृष्टे प्रथम पुरक्त गंधै धारां सुमेघ कलशे कृते हि भव्य संसार चक्रं बहाय भविष्य सित। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हंसं तं पं वं 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 हम ओं सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं राम राम रें रें द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते लाल चंद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। नागेन्द्र चक्रधर साधु सुरा सुरेन्द्र हि कल्याण पंच सहितो जिन भास्करो यः तस्याभिषेक अम्लेन सुकुमकुमेन जिनीश्वरस्य धारं करोति मुनिजस्तु हरिद्रायः ऐश्वर्य कांतिम लभते सुशीघ्रम् निर्वाण सौख्यम लभते क्रमेण। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हंसं तं पं वं हम ओं सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते हरिद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। आनीयति सुद्रव्य सृष्टान् कर्माश्च कस्य च हेतु करोमि मिश्रम् कुर्वे सुभक्ति सक्तम सुगंधै हे अष्टकर्म विजयंदिन राज सूर्य। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हंसं तं पं वं 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 हम ओं सं सं तं तं पं झं झं छीं छीं राम राम रें रें द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चौबीसो प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ अवष्टगंध की धारा कर जिन वर को वर्ग छुड़ाता हूँ। संति का जाति सुरेन्द्र वृंदे वधूक वृंदे रिचंपकाद्य पुष्पैरनेके प्रलिभैर्हताग्रे श्रीमद्जिनेन्द्राग्रियुगं यजेहम् श्रीमद्जिनेन्द्राग्रियुगं यजेहम् ॐ ह्रीं सुम्न सुप्रदाय पुष्पष्टिं करोमि जय हो जय हो जय जय जय। आरती उतारो रे चौबीसो जिनवर की मैं तो आरती उतारो रे चौबीसो जिनवर की जय जय चौबीसो नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि पांच जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। दद्योज्वलाक्षत मनोहरे पुष्प दीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालये कामदाह मारार्तिकं तविभोरवतारयामि रवतारयामि। भक्ति करो गाज जमकर सजाओ साज भक्ति करो गाज जमकर सजाओ साज अपनी अपनी नगरी में वो सब मिले अपनी अपनी नगरी में मैं तो आरती उतारो रे चौबीसो जिनवर की जय जय चौबीसो नाथ जय जय हो
जय जय परमेष्टिपाद जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री पद्म प्रभु जय जय हो जय जय श्री तलनाथ जय जय हो जय जय श्री धर्म तीर्थ जय जय हो जय जय श्री शांति प्रभु जय जय हो इति श्री मंगल आरती अर्चन करो मे स्वाहा। आइए करेंगे अभिषेक। द्रव्येरन अल्पघनसार चतुस्समाधि रामोदयवासी समस्त दिगंतरालय निश्रीकृतेन पैसादिन भगवानां त्रैलोक्य पावन महोत्सवं करो मे। ॐ ऋषि प्रीम हम सम तम पम हम ओम सम सम जम जम छिम छिम राम राम देम देम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते सुमति जलाभिषेकं करोमि सा करोमि सा करोमि स्वाहा। एहो नवग्रह ऋषिवर नव तीर्थंकर भगवान की जय। ये रूप घट में मुख ऊपर घट है जो मुख है और नीचे इसमें 10 मुख और बनाए गए हैं। इस तरह से 10 मुख वाला धूपघट आगम में इसका विधान दिया है। आगमुक्त विधि से यहाँ पर धूपघट धर्मतीत पर दिखाई दे रहा है। भगवान पर धूप चढ़ाई जा रही है। ओम ह्रीम अष्टक्रमुदय नाय शीतनाय जिनेन्द्राय नमः। ओम सुगंध स्मृति विद्याधिपति अश्वितनाय जिनेन्द्राय नमः। ओम सुगंध स्थलपति चितनाय जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। अष्टक्रमुदय नाय धूप नृपामती स्वाहा। ओम ह्रीम श्री 24 तीर्थंकर जिनेन्द्राय अष्टक्रमुदय नाय धूप स्वाहा। जय हो जय हो जय हो शीतनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। सुगंधशी महापर्व की जय जय जय। ऐसे ही आप संपूर्ण देश में भारत विश्व में जहां जहां पारस के माध्यम से अभिषेक देख रहे हैं और सभी अपने अपने घरों में अपने मंदिर में इस प्रकार के दसों वाले अच्छे घट बनाइए। इन घटों में आप सुगंधशमी का यदि धूप चढ़ाते हैं जिससे आपको दस धर्म की प्राप्ति होगी, कर्मों का नाश होगा और उत्तम पद निर्माण पद की प्राप्ति ऐसा विशेष फल होता है। आप इस तरह से कीजिए। सभी को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। जो वाला घट है धर्मतीर्थ पर तांबे का बना हुआ सुंदर सा घट, ये 10 मुख वाले घट को रखकर धूप चढ़ाने से सुगंधित धूप चढ़ाने से कर्मों का नाश होता है, उत्तम 10 लक्षण 10 धर्मों की प्राप्ति होती है। ये आप देख रहे हैं हर जगह पूरे 10 मुख बने हुए हैं। ऐसा घट आप भी अपने अपने मंदिरों में इस तरह का रखिए जिससे आपके कर्मों का नाश हो और ये धूप की सुगंध घर में सुख शांति समृद्धि को बढ़ाती है, परिवार में एकता लाती है, कर्मों का नाश करती है, विघ्नों का विनाश करती है, आगे परम पद की प्राप्ति कराती है। ऐसा विशेष फल धूप घट का होता है। आप लोग चढ़ाते रहिए और पुण्य संचय करते रहिए। सभी को हमारा आशीर्वाद से वार्षिक शांत मंत्र करता श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जुई आनंद बारह किशोर परिवार से शकुंतला नंदलाल राजेंद्र नीलेश फोलेसर परिवार से परिवार से श्रीमती मिलन जैन अमित सुनिधि स्मृति शिकनिक स्मृति जैन परिवार बारह परिवार से सुधा संजीव प्राची सत्यमंजन मुंबई श्रीमती मिलन जैन अमित सुनिधि स्मृति शिकनिक परिवार संजय कनिक परिवार श्रीमती रीता नीलेश पल्लवी देवराज परिवार संजय ताराचंद प्रमोद रानी पांडे परिवार सुज्वला मनोज सेठी परिवार संकल्प सेठी सिन्हा परिवार दीपाली जैन संजय साधना परिवार डॉक्टर अशोक शैला विजय रोहड़ परिवार श्री सौवंदना राजेंद्र प्रिया भूषण पाटी परिवार सौ राजेश शशांक जिनसुरकर परिवार त्रिमुत्र परिवार सौ रक्षदा अंकुर राजेश सौ शीला झुमरलाल अल्केश राव परिवार धरण सूर्यकांत महादेव परिवार पदे हेमा प्रिया साहु परिवार नेहा संकेत साहु जी अमोलक चंद मनोज पवन कासदेव परिवार दीपचंद संजय जीवन परेश पाटी परिवार दर्शन चंद्र शिवपुर श्रीमती रत्ना जैन कमलेश जैन परिवार आराम अश्वती राहुल जगदीप प्रसाद जैन प्रचप्रोली सविद्या कैलाश परिवार सौ उषा प्रमोद विनय सागर सौजी परिवार कुसुम महावीर मयन कवनी जैन परिवार बारवांकी श्री मनोज रजी जैन परिवार बारवांकी परोल विपुल जैन परिवार नितिन श्री अनुश्री महावीर निर्मल प्रकाश लोहाड़े सौमंगला सुरेंद्र पाटिल परिवार श्री महेंद्र जितवाणी सिंह पहाड़े परिवार सौ अलका वर्धमान कास्तिक परिवार श्री पवन पंकज जैन परिवार पूजा जयेश दिनेश श्री जैन परिवार प्रकाश सनीता भूषण पायल जैन परिवार पाटनी परिवार सौ ज्योति विवेक सार्थक सुरेंद्र तुंजन परिवार आशा उल्लास रविंद्र वैजयंती रविंद्र परिवार महेश नमिता प्रेमचंद माणिक कटर परिवार अपूर्व नीरज समेजी परिवार नीलेश तिपारी दर्श कुछकाल परिवार रोहित नेहा तनवीर सेठी परिवार गणेश श्रद्धा परिवार सौ ज्योति संतोष गंगवार परिवार श्री आयुष युक्ति अरुणेश अलका त्रिशला प्रेमचंद जैन परिवार श्रीमती प्रमिला अचिन सौ प्रीति सुन परिवार से अन्य संपूर्ण वार्षिक शांतिकर्ता हार्दिक परिवार से अस्माकं मम सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं चक्रगुरुं। ओम ह्रीं
श्रीं क्लीं अरम असौसा अनाहत विद्येण मुनंतरण रोम सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु कुरु षट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञां करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान्। आज यहाँ पर नौ तीर्थंकर के चरणारविंद में दो खीर चढ़ाई गई है और ये खीर अभी यहाँ पर गौ माताओं को खिलाई जाएगी। आज धूप दशमी है, धूप दशमी के उपलक्ष्य में दशरक्षण पर्व चल रहा है, तो सभी गायों के लिए खीर यहाँ पर बनाई गई और गायों गौ माता को भगवान को चढ़ाकर गौ माता को खिलाई जाएगी। आप सब भक्त जो जूम मीटिंग पर जुड़े हैं, आप सब की तरफ से खीर चढ़ाई गई है, सबके घर में ऐसे भंडार भरे रहे इसलिए भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं और यहाँ खीरान्न अर्पण किया गया है। क्योंकि भगवान का जो भी तीर्थंकर होते हैं उनका प्रथम आहार खीर से ही होता है, ऐसी खीर यहाँ पर बनाकर शुद्ध खीर चौके में बनकर आई है और ये भगवान को अर्पण की गई है। नैवेद्यम निरपामति स्वाहा, खीर अर्पण निरपामति स्वाहा। खीर गंगा अष्ट द्रव्य हम लाए, कुंत कनक नंदी के नंदन तुमको अर्घ चढ़ाए, धर्म तीर्थ के प्रेरक गुरुवर हो, अंजन गिरे उदारक ऋषि वर जन के उपकारी, हम सब तुमको शीश झुकाए, जय हो गुरु तुम्हारी। बोलो गुप्त नंद की जय, बोलो कबीर दय की जय, बोलो महाकवि की जय, बोलो धर्म सूर्य की जय जय जय। ओम ह्रीम परम पूज्य प्रज्ञा की दिगंबर देनाचार आठ मार्ग संरक्षक कबीर दय महाकवि ज्ञान दिवाकर वात्सल्य सिंधु व्याख्यान वाच्य स्तुति धर्म क्रांति सूर्य धर्म तीर्थ नेता अंजनगिरी तीर्थ उद्धारक श्रावक संसलन कथा विधान मार्तंड निरापक प्रवर्तक आचार्य श्री गुप्त नंद देख रहे हैं आड़े घट, ये दस घट हैं, इस घट में दस छेद बने हुए हैं। ऐसा ये घट भी यहाँ पर बड़े नवर शांति जिनाले में भगवान शांतिनाथ जी के समक्ष विराजमान है, आपको दिखलाई दे रहा है। पूरे घट में संपूर्ण छेदियां बने हुए दस छेदों के साथ में जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीम शांतिनाथ जिनेन्द्र अष्टकृंदाय धूपन रूपामति स्वाहा। ओम ह्रीम वासुपू जिनेन्द्र अष्टकृंदाय धूपन रूपामति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री घट भी दिखाते जाओ साथ में और भगवान की इस तरह घट भी है और दशमी वाले भी घट है, उनमें धूप चढ़ाई जा रही है। अष्टकृंदाय धूपन रूपामति स्वाहा और आगे बढ़ जाओ। ओम ह्रीम श्री इच्छा पूरक आदिनाथ जिनेन्द्राय पदम प्रभु चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरुपामति स्वाहा। जय हो जय हो जय हो। नवग्रह शांति जिनाले में हर एक मंदिर में तो हर एक वीरेंद्र भगवान के समक्ष इस तरह से धूप घट रहे गए हैं। कहीं दशमुख वाले घटे कहीं साधारण घटे, तो अपने घरों मंदिरों में धूप घट आप दशमुख वाले रखिए। ओम ह्रीं श्री पुष्प दंत जिनेन्द्राय अष्टक्रम धेनाय धूपम निरुपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री धूप निरुपामति स्वाहा। धूप चढ़ाने से सुगंध चढ़ाने से देह की दुर्गंध मिटती है, सुगंध शरीर की प्राप्ति होती है, आठों कर्मों का नाश होता है। ऐसा ही आपको प्रत्यक्ष रूप दिखलाई दे रहा है। ऐसे जलते कुंभ होना चाहिए जिसमें धूप घटो। ओम ह्रीं श्री मुनि सुरतनाथ जिनेन्द्राय नेमिनाथ जिनेन्द्राय पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः अष्टक्रम धेनाय धूपम निरुपामति स्वाहा। यहाँ भी आप देख रहे हैं दशमुख वाले घट हैं और प्रज्वलित हैं, उसमें अंगारे हैं, इसमें सुवासित धूप चढ़ाई जा रही है, ये आगम का विधान है। ऐसे ही आप भी अपने अपने मंदिरों में दशमुख वाले घट रख करके वहां धूप चढ़ाइए और पुण्य संचय कीजिए। जय हो जय हो जय हो। नौ तीर्थंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद आशीर्वाद। कृपाश्रम भगवान विराजमान है, उनके समक्ष भी धूप घट रखा हुआ है, उस पर धूप चढ़ाई जा रही है। ओम ह्रीं श्री कलिकुंडन से पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ऐसे वहाँ पर क्षेत्रपाल जी हैं, क्षेत्रपाल का मंत्र पूजा दीदी वहाँ बोलकर चढ़ा रही हैं। क्षेत्रपाल बाबा जी वहाँ पर समस्त जिन शासन प्रभावना करते रहे, जिन शासन रक्षा करते रहे, भावना से धूप चढ़ाई जा रही है। धूपम ग्रहण ग्रहण इति स्वाहा। बहुत सुंदर। जय प्रभु को धूप चढ़ाकर आठ कर मन शाये। ओम ऋषि धर्म तीर्थ तिशेषित विराजित सहस्रमणि पाशनाथ जिनेन्द्राय अष्ट कर्म नाशनाय धूपम निरपामति स्वाहा। उत्तप्त धर्म की जय। उत्तप्त धर्म की जय। आचार्य श्री गुप्त नंद जी गुरुदेव की जय। धर्म स्नेह महान भवो, आज उत्तम तप धर्म का दिन है। हालांकि मुनिराज हमारे आचार्य तो हर दिन तप करते हैं और हर दिन तपस्या करके
कर्मों का नाश करते हैं। साधु के जो तप होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक दृष्टांत आपको समझ रख रहा हूँ। एक राजा थे जिनका नाम था कीर्तिधर, और उनकी रानी थी, रानी सहदेवी। उसके पास बहुत कुछ था, अयोध्या का राज्य था, सुंदर रूप था, प्रिय पति था, बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ नहीं था। किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ कुछ मिलता है, किसी के पास बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता है कि नहीं। सुनो ध्यान से, मेरी ओर ध्यान दो। चक्रवर्ती के पास बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं रहता है। संसार में एक न एक कमी सबको रहती है कि नहीं। देखो आप, हिमालय में ऊंचाई है, सुंदरता है, अनेक औषधियां हैं, ठंडक है, लेकिन उसमें सीढ़ियां नहीं। समुद्र में गहराई है, रत्न है, अथाह जल राशि है, लेकिन उसमें मिठास नहीं है। आकाश में चंद्रमा है, असंख्य तारे हैं, सूर्य भी है, चंद्रमा है, लेकिन वहां रात में उजाला और दिन में अंधेरा नहीं है। सूर्य में चमक है, प्रकाश है, ऊंचाई है, लेकिन ठंडक नहीं है। चंद्र में शीतलता है, बहुत सारे तारे हैं, लेकिन वहां पर उजाला नहीं है। यदि उजाला आता है, चंद्रमा फीका पड़ जाता है। चक्रवर्ती की पटरानी सर्वांग सुंदर होती है, 96,000 रानियों में प्रमुख होती है। चक्रवर्ती की पट्टरानी अर्धांगनी होती है, लेकिन उसे कभी संतान नहीं होती, उपांज होती। चक्रवर्ती के पास 6 खंड का राज्य होता है, लेकिन 3 लोक पर राज्य नहीं होता है। एक न एक कमी हर एक इंसान। यदि आपको सब कुछ चाहिए, चाहिए सब कुछ पाना है, पाना तो चाहते हैं ना, तो निकलेगा नहीं, और सब कुछ बोलने में लज्जा आती, शर्म आती, सबके सामने हाँ करोगे नहीं, और मन में लड्डू फूट रहा, सब कुछ चाहिए। यदि आपको निकलता है, काश मुझे सब कुछ मिल जाता, तो कैसे मिलेगा सब कुछ, किस प्रकार मिलेगा? ध्यान रखो, कुछ कुछ छोड़ोगे तो कुछ कुछ मिलेगा, और बहुत कुछ छोड़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और सब कुछ छोड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। तो रानी थी, रानी के पास बहुत कुछ था लेकिन सब कुछ नहीं था। क्या नहीं था? प्रिय राजा है, प्रिय पति है, अयोध्या का राज्य है, सारी प्रजा प्रणाम करती है, नमस्कार करती है, स्वादेश मानते, अतिशय सुंदर रूप मिला है, धन संपत्ति मिली, लेकिन क्या नहीं है? संतान नहीं। संतान का दुख। वो रानी एक दिन मुनिराज के पास में गई और कहा, मुनिवर मैं आपकी शरण में भीख मांगने आई हूं। मुनिराज बोले, कोई भिखारी कोई योगी आता तो बात अलग थी, सबके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं है। वह रानी मुनिराज के पास में, मुनिराज ने कहा, तुम्हारे पास क्या कमी है? राज्य है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, सब कुछ है। रानी ने कहा, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास
संतान नहीं है, फूट फूट करके रोने लगी। जब दूसरी स्त्रियों को देखती हूँ, उनकी संतानों को देखती हूँ तो मन मचल जाता है। मुनिराज बोले, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले, मुझे संतान चाहिए। मुनिराज बोले, संतान तो मिलेगी लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा। संतान मिलेगी लेकिन, प्राणी ने पूछा, क्या लेकिन? संतान तो होगी, संतान होगी इतना सुनकर ही वह रानी इतनी प्रसन्न हो गई, मुझे संतान हो गई, मां बनने वाली अनुभूति होती। मुनिराज ने कहा, संतान तो होगी लेकिन, लेकिन क्या? लेख हाथ से कुछ मिलेगा, दूसरे हाथ से जाएगा। बोले, वो क्या? संसार में कुछ आता है कुछ जाता है ना? जवानी आती है तो बचपन चला जाता है, और जब प्रौढ़ता आती है तो जवानी चली जाती है। जब जवानी में जोश रहता तब होश नहीं रहता है, और जब तक हो तब तक जोश ठंडा पड़ जाता है। एक न एक कमी हर एक में रहती है। मुनिराज ने कहा, तुझे पुत्र चाहिए? बोले, जी गुरुवर, संतान चाहिए। पर कहा, ध्यान रख, जिस दिन तेरे पति संतान के जन्म का समाचार सुनेंगे उस दिन ही वो राज्य को छोड़कर चले जाएंगे, वैराग्य के पथ पर चले जाएंगे, वैराग्य हो जाएगा।